नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स में खुश आमदीद। मैं हूँ सना नजीर। आज हम बनाना सीखेंगे मजेदार लबे शीरी। इसके लिए जो अज्जा हमें दरकार हैं, वो ये हैं: लिक्विड दूध 2 किलो, कॉर्नफ्लोर पाउडर 4 टेबलस्पून, साबुदाना 4 टेबलस्पून, चीनी 1/2 कप, जेली 1 पैकेट, बादाम 1 मुट्ठी, पिस्ता 1 मुट्ठी, काजू 1 मुट्ठी, भीगी हुई इंजीर 1 मुट्ठी, केले 3 अदद, सेब 1 अदद, पाइनएप्पल 1 अदद। तरकीब: सबसे पहले एक पैन में दूध को उबलने के लिए रख दें। उसके बाद साबुत दाने को एक पैन में 1 कप पानी डालकर अच्छी तरह पका लें और फिर इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। इसके बाद जेली का पैकेट भी पका लें और इसको ठंडा करके क्यूब्स की शक्ल में काट लें। बादामों को भिगोकर इसके छिलके उतार के इसे एक तरफ रख दें। पिस्ते की हवाइयां काट लें, काजू की हवाइयां काट लें, इंजीर को 1/2 करके एक तरफ रख लें, केले और सेब के भी बारीक क्यूब्स काट लें। पाइनएप्पल को टिन में से निकाल कर इसका पानी अलग कर दें और इसका फल अलग कर लें। अब उबलते हुए दूध में घुला हुआ कॉर्नफ्लोर चमचे की मदद से हिलाते हुए डालते जाएं। उसके बाद इसमें साबुदाना मिक्स कर दें, फिर इसमें चीनी डालकर इसको पकने के लिए रख दें। ख्याल रहे कि पकने के दौरान मुसलसल चमचा चलता रहे ताकि लबे शीरी न जले न लगे। 15 से 20 मिनट तक इसे पकने दें। इसके बाद इसे चूल्हे से उतारकर पंखे के नीचे रख दें ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। फिर इसको अच्छे से डिश में डालें और उसके बाद इसमें लवाजमत यानी बादाम, पिस्ता, अंजीर, काजू वगैरह शामिल करें और सबसे आखिर में इसमें कटे हुए फ्रूट्स शामिल करें और उसके ऊपर जेली छिड़क दें। मजेदार लबे शीरी तैयार है। अब इसे फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा करने रख दें और सर्व करें। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।